हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं दीप्ति, टॉप रिपोर्टर के शो सिटी बस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं रायपुर के कोर्टयार्ड में, जहाँ सार्थक टीएमटी का फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का सेलिब्रेशन कैसा हो रहा है। चलिए, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ टॉप रिपोर्टर की तरफ से सार्थक टीएमटी के फर्स्ट एनिवर्सरी पे। सर, तो आपका फर्स्ट एनिवर्सरी पे आप क्या कहना चाहेंगे सार्थक टीएमटी के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है फर्स्ट एनिवर्सरी पे, और सार्थक टीएमटी एक साल का पूरा हो चुका है। उतार चढ़ाव के माध्यम से हर जगह से अपन खड़े उतर के आ पाए, तो अच्छी महसूस हो रही है। और चाहते कि जो ये एक साल जो पूरा हुआ, और इसको अच्छे से और आगे करें और आगे लेके जाए। अभी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी और उड़ीसा में अपन काम चालू किए। अपना उद्देश्य ये है कि पैन इंडिया बेसिस में अपन काम अपना चालू कर पाए। सर, आप हमारे ऑडियंस को और क्या मैसेज देना चाहेंगे सार्थक टीएमटी के लिए? जो सपोर्ट और जो सहयोग एक साल से अपने को मिला है, हम चाहते हैं कि एक ये सपोर्ट हमेशा अपने साथ बना रहे, और जिस स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाए, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे और बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, मैं दीप्ति, टॉप रिपोर्टर की तरफ से आपको पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी आपके फर्स्ट सार्थक टीएमटी के फर्स्ट एनिवर्सरी पर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सार्थक टीएमटी के फर्स्ट एनिवर्सरी पे? पूरे साल भर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो ऐसे आगे सार्थक चलता रहेगा। सर, कैसा रहा ये साल सार्थक टीएमटी का? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। कंपनी ने काफ़ी ग्रो किया, एज इन प्रोडक्ट्स भी और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी। सबसे पहले तो मैं दीप्ति, टॉप रिपोर्टर की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ सार्थक टीएमटी के फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। सर, आप हमें सबसे पहले तो बताइए कि आपका ये पहला साल, सार्थक टीएमटी का पहला साल कैसा रहा? आज का दिन 14 मई हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, क्योंकि पिछले वर्ष 14 मई 2017 में हमने एक हमारे नए प्लांट सार्थक टीएमटी की ओपनिंग की थी, जो पूरे इस एक साल में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है कि मार्केट में या स्टेट में या इंडिया में अपने आप में काफ़ी नाम कमाया है। इसके पीछे हमारी पूरी टीम ने, हमारी मार्केटिंग टीम ने बहुत मेहनत की है, और उसी का फल आज देखने को मिल रहा है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर कुंबले जी हैं, जिन्होंने भी काफ़ी इस मामले में सहयोग किया हमारा, ये कहना चाहूँगा मैं। सर, अब इस साल और क्या नया प्लानिंग है आपका? अभी हमारे जो प्रोडक्शन है उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम अभी अपने डीलरों को, डिस्ट्रीब्यूटर को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारा प्रयास ये है कि अगले 3 से 6 महीने में जो डिमांड मार्केट की है, पहले हम उसको पूर्ति करने की सोच रहे हैं, जिस हमारा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हमारे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में फिर डिमांड के अनुरूप जो भी बढ़ाना पड़ा या नया प्लांट लगाना पड़ा, उसके लिए हम तैयार हैं। सर, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप जनता को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मेरा मैसेज यही है कि जैसे टीएमटी तो पूरे बाज़ार में है, वो सिर्फ नाम की टीएमटी है, लोहा जैसे लोहा ही दिखते हैं, लेकिन सार्थक टीएमटी की जो कंपोजिशन है, उसका जो मिश्रण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। तो आज हर आदमी एक बहुत अच्छी चीज़ को ही लेना चाहते हैं, दो पैसे कम लगे, ज़्यादा लगे, तो अच्छी चीज़ ही उपयोग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सारा हमें अपना कीमती समय दिया हमें, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे विजय गर्ग जी, जो कि सार्थक टीएमटी के चेयरमैन हैं, और इनका कहना है कि यूँ तो इंडिया में काफ़ी स्टील्स मिलते हैं, पर सार्थक टीएमटी की तो बात ही कुछ और है। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सिटी बस के एपिसोड में। मैं दीप्ति, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।